हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अबाउट टू दी लंडन जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि ये लंडन इक्वेशंस क्या हैं और किस चीज को सिग्निफाई करते हैं। उससे पहले ये देख लें कि जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो हम लोगों ने जो ड्राइव की थी वो एक्चुअली कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें आई करंट का फ्लो करता है, तो क्या होगा कि उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली डेवलप हो जाएगा। या दूसरा केस कि आपके पास में कोई क्वायल है और उसके थ्रू उससे कोई एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो क्वायल के अंदर जो है ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और करंट का फ्लो होने लगेगा। तो बोथ जो कंसेप्ट है वो वाइस वर्सा है, और यहाँ पर जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं वो इन कंडक्टर के लिए अवेलेबल हैं, जहां पर आप रेजिस्टिविटी देख पाते हैं और ये रेजिस्टिविटी जीरो नहीं है, राइट? तो यहाँ ये भी कंसिडरेशन में नहीं है कि ये जो मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक है या नहीं है। तो यहाँ दो पॉइंट को माइंड में रखते हुए जो लंडन ब्रदर हैं, उन लंडन ब्रदर्स ने इन 1935 ये एप लंडन और एच लंडन, इनके नाम थे एफ लंडन एंड एच लंडन, जहाँ रेजिस्टिविटी जीरो है और जो परफेक्ट जो है ना आपके डायमैग्नेटिक है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक है, उनके लिए जो है इक्वेशंस को ड्राइव किया। और ये टू न्यू इक्वेशंस थी इन एडिशन टू दी जो फोर मैक्सवेल की इक्वेशंस थी। मैक्सवेल की जो फोर इक्वेशंस हैं फोर दी कंडक्टर्स, राइट? उसमें टू तो डायरेक्ट ये जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एम्पियर्स ला, फैराडे ला, वहां दूसरे जो केसेज हैं वो स्टैटिक चार्ज था तो कंडक्टर की बात नहीं करते, लेकिन दो के अंदर कंडक्टर की बात होगी। तो मैक्सवेल की फोर इक्वेशंस हैं और टू लंडन इक्वेशंस हैं, तो उनको जोड़ के ये कंडक्टर और जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनके लिए इक्वेशंस हैं इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हम लोगों के पास में इस टॉपिक के अंदर उन्होंने एज्यूम किया कि दो टाइप के चार्ज कैरियर हैं। यहाँ जो चार्ज कैरियर हैं वो एज्यूम किया गया कि वो दो टाइप के हैं, उसमें से एक जो कहा गया कि वो सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सुपर इलेक्ट्रॉन्स कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं करते हैं, फेस नहीं करते हैं, वहां पर रेजिस्टिविटी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं जीरो, और लैटिस के अंदर कोई भी स्कैटरिंग नहीं है, नो स्कैटरिंग ऑफ द चार्ज कैरियर। व्हाइल इन सेकंड केस आप ये जो चार्ज कैरियर का टाइप था इनको नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के जैसे ही समझा गया, और जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्चुअली स्कैटर्ड हो जाते हैं बाय द पॉजिटिव आयंस इन द लैटिस, और ये रेजिस्टेंस भी फेस करते हैं, तो वहां रो जो है वो जीरो नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस एज्यूम किया गया, और किसी एक पर्टिकुलर जो सुपर कंडक्टर है, राइट, वहां जो टोटल चार्ज डेंसिटी है उसको एज्यूम किया गया स्मॉल एन, और ये जो स्मॉल एन है दैट इज द सम ऑफ जो सुपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है और जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है उनका सम, राइट? तो पहला पॉइंट तो अजम्पशन ये रहा, और यहाँ एस जो है वो सुपर इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी है, एन जो है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी है। नाउ द सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ एक ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दी सुपर कंडक्टर, कि हम लोगों के पास में अगर कोई एक सुपर कंडक्टर है तो वहां एक ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है जो सुपर इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे इनसाइड द कंडक्टर, एंड ये सुपर इलेक्ट्रॉन की जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसकी वजह से जो करंट होगी और उसकी जो करंट डेंसिटी होगी, ठीक है, तो उसको यहाँ डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है ऑफ दिस सुपर कंडक्टर। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा हम लोगों का वो यही रहेगा कि हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर लें बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि जो चार्ज कैरियर है इनसाइड द सुपर कंडक्टर उस पर कितना फोर्स लगता है,
तो फोर्स जो होगा वो डिफाइन होगा बाय दिस वे, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो एफ जो है वो अप्लाइड फोर्स है इन दैट फील्ड ऑन दैट चार्ज, जो कि हम लोगों ने एज्यूम किया है। तो यहाँ जो है हम क्योंकि सुपर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो उसी को कंसिडर किया है। और यहाँ हम मान के चलते हैं कि जो मास है ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन वो उतना ही है जितना कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का है। तो मास ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन एम है, और यहाँ जो वेलोसिटी है ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन उसको वी एस से डिनोट किया है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है उनका मास भी एम होगा, लेकिन जो वेलोसिटी होगा उसको वी एन से डिनोट किया है, राइट। तो ये एक मेन पॉइंट है यहाँ जो आपको माइंड में रखना है, राइट। तो अब दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ क्यू जो है दैट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ई जो है वो फील्ड है, एंड एफ इज द फोर्स है। सो फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, यू नो एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ए इज द एक्सेलरेशन, जो कि डिफाइन किया है डी वी एस बाई डी टी के थ्रू। तो एम डी वी एस अपॉन दिस डी टी, राइट। तो ये तो हुआ एफ की बात, और राइट हैंड साइड में इधर क्यू ई है, तो क्यू जो हुआ वो माइनस ई हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उस पर माइनस चार्ज होगा। तो एफ एम डी वी एस अपॉन डी टी ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ई, और ये कैपिटल ई। सो ये हम मान के चलते हैं कि सेकेंड इक्वेशन है, राइट। तो अब यहाँ जो सुपर कंडक्टर हम लोगों ने एज्यूम किया है, तो उसमें जो है करंट का फ्लो हम मान सकते हैं कि आई है, और जे करंट डेंसिटी है, एंड ये इसका जो सरफेस एरिया है वो ए है, ए या एस से डिनोट करते हैं जनरली। तो यहाँ हम लोगों ने ए से डिनोट किया है, और जो करंट डेंसिटी है जे एस दैट इज इक्वल टू आई अपॉन ए। आई अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट इज इक्वल टू एन एस ई ए वी एस। तो ये करंट है इन दैट कंडक्टर, एंड ए ये वैल्यू इसकी है। तो यहाँ ये ए कैंसल हो जाएगा, यू विल गेट ओनली एन एस ई वी एस, एंड वी कैन से दिस इज नंबर इक्वेशन जो इसका है वो थ्री, राइट। तो अभी ये इक्वेशन हम लोगों को मिल गई है, तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद में कि यहाँ एन एस और ई वी एस को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दी टाइम। सो डी एल जे एस अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू एन एस, दिस इज कॉन्स्टेंट, ई डी वी एस अपॉन डी टी, राइट। सो दिस इज द वैल्यू आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ नंबर इक्वेशन थ्री। सो एन एस ई डी वी एस अपॉन डी टी, अभी आपने इस इक्वेशन को यहाँ पर देखा, तो यहाँ से हम जो डी वी एस अपॉन डी टी की वैल्यू है यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें पहले, तो डी वी एस अपॉन ये डी टी विल बी इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम, और ये कैपिटल ई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अब जो डी जे एस अपॉन डी टी हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, माइनस एन एस ई स्क्वायर अपॉन एम डी वी एस, तो वैल्यू पुट ही कर दी है, दैट इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम। तो इसको हम लिख ले, राइट। सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट जो फर्स्ट इक्वेशन है उस पर पहुंच चुके हैं, इसके फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अब जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ माइनस साइन आया है, तो माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि ये यहाँ आपने ई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रखी है, जबकि ई की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव होगी, जे एस जो है वो निगेटिव होगा जब आप चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ ये पॉजिटिव आएगा, राइट। ये माइनस था, तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट की, माइनस
माइनस प्लस होकर ये प्लस हो जाएगा, तो एन एस ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू ए। सो दिस इज फर्स्ट लंडन इक्वेशन। नाउ फॉर द सेकेंड वन व्हाट वी हैव टू डू, वी एक्चुअली हैव टू टेक द कर्ल ऑफ दिस इक्वेशन एंड now this is equation number 4, so by taking the curl of this equation, by taking the curl of equation number 4, what we will get actually? So when we are taking the curl del cross and this djs upon dt is equal to del cross this ns e square upon m and this vector e, तो इनको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, राइट? सो फ्रॉम द फैराडे लॉ वी नो दैट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन, राइट? सो यहाँ ये जो आप फार्मूला देख पा रहे हैं, और डेल क्रॉस ई की जगह लिख सकते हैं माइनस डी बी अपॉन डी टी। सो दिस डी बी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन पार्ट जो है आपका वो इंटीग्रेशन से खत्म होगा। सो टेक द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लेंगे तो दिस विल बी डेल क्रॉस जे एस इज इक्वल टू माइनस एन एस ई स्क्वायर अपॉन एम एन दिस बी। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कर्ल ऑफ जे एस एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एन एस ई स्क्वायर अपॉन M, right? This is known as this is. So these are the two equations known as London's equation in superconductivity, right? So thanks for watching this video. For more information, you can visit www.apnifysics.com and further you can see their courses.